हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड GY8817 पर अंतिम फैसला और 1867 पोस्टों पर रिजल्ट आएगा, इसको लेकर न्यू अपडेट आ रही है। इसके अलावा आउटसोर्स OPS पर भी आज की नई अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आचार संहिता से ठीक पहले हुई आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की करते हैं। 14 अक्टूबर की तारीख इसमें तय हुई है, जो अधिसूचना जारी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने ये भर्ती की है। बड़े पैमाने पर 39 वर्क इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं। पूरे प्रदेश भर में इन्हें तैनातियां दे दी गई हैं। ठीक आचार संहिता लगने से पहले ये भर्ती की गई। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए बकायदा अधिसूचना जारी की है। लोक निर्माण विभाग की माने तो इसके प्रक्रिया जो है वो काफी समय से चल रही थी, और ये संयोग की ही बात है कि 14 अक्टूबर को इस अधिसूचना को जारी किया गया और उसके कुछ अंतराल के बाद आचार संहिता लागू हो गई। अब ये जो 39 वर्क इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं, आउटसोर्स के आधार पर इन्हें तैनात किया जाना है, और इसके लिए आदेश जो है वो पूरे प्रदेश भर में जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के तमाम जो विभाग, जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें ये आदेश दे दिए गए हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाएं। तो 39 कुल ये वर्क इंस्पेक्टर हैं जिन्हें भर्ती किया गया आचार संहिता लगने से ठीक पहले, और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिसूचना भी इस संदर्भ में जो है वो लोक निर्माण विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने बड़ी बात आज कही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि जो वादे उनसे किए गए थे, यानी 2017 में भी ठीक इसी तरह के वादे सरकार ने किए थे, जो उस समय की सरकार थी, और जो अभी जो वादे उनसे किए गए वो भी उसी तरह के रहे और उन वादों को पूरा नहीं किया जा सका है। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। इनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ बड़ा मजाक इस बार सरकार ने किया है, और आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते थे और विभागों में समायोजन करना चाह रहे थे। जिन विभागों में अभी तक ड्यूटियां दे रहे हैं उन्हीं चाह रहे थे कि उन्हीं विभागों में इन्हें तैनात कर दिया जाए। और इसी के साथ ही जो छठे वेतन आयोग के की जो धारणा तय की गई है और उसके तहत जो 18,000 न्यूनतम वेतन मान तय किया गया, जो न्यूनतम वेतन मान है, वो वेतन मान की मांग कहीं ना कहीं ये कर्मचारी भी कर रहे थे, लेकिन ये तमाम मांगे इनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। और इनका ये कहना है कि अब जो उम्मीदें इन्होंने लगा रखी थी वो ठीक है वैसे ही अधूरी रह गई है, जो जैसे 2017 में उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई थी। बात दमकल विभाग कर्मचारियों की करते हैं। दमकल विभाग कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, वर्क टू रूल पर आ गए थे और वेतन विसंगतियों को लेकर के जो इनके विषय हैं उन्हें सरकार तक उठा रहे थे, मांगे हल करवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही इन्होंने वर्क टू रूल अभियान को बंद कर दिया है और अब नियमित रूप से ड्यूटी देने का फैसला किया है। ये दमकल विभाग क्या होता है वो जरूर हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शक हैं जरूर सवाल करें कि ओपीएस को लेकर ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओपीएस का मुद्दा यहाँ पर अभी भी प्रदेश में बना हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो आपके सवालों को भी हम लेंगे, लेकिन फटाफट हम आपको बता देते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो बैठक है वो कि यहाँ पर जो है वो मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक हुई और उसमें सभी फाइल अब स्क्रीनिंग कमेटी में आएगी और जितने भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फाइलें फंसी हुई है उन सभी फाइलों का जो डिसीजन है वो अब यहाँ पर मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की बैठक में वो फाइलें लाई जाएगी, उसके बाद अप्रूव ली जाएगी और उसके बाद जो है वो कई ऐसे फैसले जो है अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव के बाद ही कई ऐसे फैसले हैं जो कि कर्मचारियों से संबंधित, चाहे वो वेतन विसंगति का मामला हो और इसके अलावा जो है वो और दूसरे मामले हो, चाहे वो भर्तियों के मामले हो, वो सभी मामले चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद ही होंगे, यानी कि जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही इन सभी मामलों का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। बहरहाल क्योंकि पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता चुकी है, तो ऐसे में अभी फिलहाल नई भर्तियां, नए प्रोसेस नहीं होंगे, टीजीटी की नई भर्तियां नहीं होगी, शिक्षा विभाग में अलग अलग कैटेगरी की जो भर्तियां शिक्षकों की होनी थी उन भर्तियों पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। और इसके अलावा भी यहां पर जल रक्षकों की चाहे पॉलिसी हो, आउटसोर्स की पॉलिसी हो, इन तमाम सभी चीजों को लेकर हम यूं कह सकते हैं कि अभी फिलहाल रोक यहां पर लगा दी गई है। तो ऐसे
तरह की राजनीतिक चर्चा चल रही है, ये जरूर हम अपने तमाम दर्शकों से जानना चाहेंगे। फिलहाल अगर बात करें, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और इस बीच जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि लटक चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जियो आईटी के मामले पर बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जियो से जुड़े हुए बच्चे थे जो कि जियो से संबंधित जो है वो जानकारी मांग रहे थे। तो जरूर आपको हम बता देते हैं कि जियो मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि जियो आईटी के जितने भी यहाँ पर बच्चे थे जो कि अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे थे, चाह रहे थे कि उनका रिजल्ट आ जाए, तो इस पूरे मामले को लेकर आज जरूर पर्सनल डिपार्टमेंट से हमने बात की। तो अपडेट इस मामले को लेकर ये है कि 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला जो है वो जोए के मामले को लेकर होना है। और अब इसमें नई चीज ये सामने आ रही है कि अब सीटें जो है वो कम, जोए की जो 1337 पोस्टें कम की गई थी, अब वो पूरी 1867 जितनी भी जोए की पोस्टें थी उन सभी पोस्टों का रिजल्ट अब निकाला जाएगा। कोई भी पोस्टें अब कम नहीं होगी और फिलहाल 1 नवंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसमें क्या होता है वो जरूर हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शक